हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉ ऑन टिप्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप एंड इम्पोर्टेंट एम सी को जो कि आपको क्या है सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे ये एम तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला जो एम है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज़ फ्रेम्ड बाई कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किसने किया था किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था नेक्स्ट है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड एट कि कहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया गया था आंसर क्या होगा कहाँ पे किया गया था पब्लिश्ड देहरादून में आपको याद रखना है देहरादून में जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का पब्लिश किया गया था नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफैक्शन लो किस शेड्यूल में गिवन है कौन से शेड्यूल में गिवन है टेंथ शेड्यूल में दिया गया है एंटी डिफैक्शन लो एंटी डिफैक्शन लो क्या होता है चेंजिंग ऑफ पार्टीज अपने दल बदलना एंटी डिफेक्शन लो तो कौन से शेड्यूल में दिया गया है टेंथ शेड्यूल में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लो नेक्स्ट हमारा फोर्थ विच ऑफ़ द फॉलोइंगज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू चेंजेस दू द स्टेट्स ये बताए कि कौन सी ऐसी चीज है जो नई स्टेट्स और बॉर्डर जो है चेंज करवाने की बात कर सकता है कौन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है तो इसका आंसर क्या होगा पार्लियामेंट ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ है वेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कब इंसर्ट की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब की गई थी 1976 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिक्सथ है हमारा हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डिस्क्राइब इंडिया एज भारत का संविधान किस प्रकार भारत का वर्णन करता है अ यूनियन ऑफ स्टेट अ यूनियन ऑफ स्टेट सेवेंथ है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन जो सिस्टम है हमारा जुडिशियल रिव्यू का वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है यू से यू जो है जुडिशियल रिव्यू हमारा ओरिजिनेट हुआ है यह बात आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है एट्थ कमेटी का चेयरमैन कौन था डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी का चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक है नेक्स्ट है नाइन्थ इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज इंडिया रिपब्लिक है क्यों क्योंकि इट इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डिफाइनेट पीरियड डेफिनेट पीरियड देखिए इट इज द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डिफाइनेट पीरियड टेंथ है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में क्या है इसे इंसर्ट किया गया था इस अमेंडमेंट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नेक्स्ट है इलेवेंथ राज्यसभा हैज़ नो रोल इन तो जो राज्यसभा का रोल है वो किस में नहीं होता है देखिए द इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो होता है उसमें जो राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है किस में नहीं होता है द इलेक्शन ऑफ स्पीकर उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता किसी भी तरह का नेक्स्ट है ट्वेल्थ द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू द जो टर्म है एजुकेशन वो किससे बिलोंग करती है कॉन्ट लिस्ट से तो आपको जैसे ऑप्शन मिले हुए हैं यहाँ पे तो आपको टिक करना होगा कॉन्करेंट लिस्ट से जो है एजुकेशन बिलोंग करता है नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ़ द राज्यसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं हमारे राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारे राज्यसभा में 238 मेंबर्स आपको ध्यान रखना है 238 मेंबर्स जो है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में नेक्स्ट है हमारा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उन्हें कौन इलेक्ट करता है मेंबर ऑफ द लोकसभा लोकसभा के जो मेंबर हैं स्पीकर को इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वही क्या है स्पीकर्स को इलेक्ट करती हैं नेक्स्ट है फिफ्टींथ हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है टोटल फोर्टीन लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है दो लोकसभा में और बारह राज्यसभा में तो टोटल दो और ट्वेल्व uh, को अगर आप ऐड करोगे तो फोर्टीन हो गए टोटल फोर्टीन लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है अब नेक्स्ट, 16, है नेक्स्टींथ हमसे क्यों हमारा हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सरकार को चलाने वाला कौन है प्रेजिडेंट आपको ध्यान रखना है कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट प्रेजिडेंट नेक्स्ट है सेवेंटीन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फर्स्ट आइटम ऑफ बिजनेस इज क्या है द क्वेश्चन ऑफ आर द क्वेश्चन ऑफ आर इन द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द फर्स्ट आइटम ऑफ बिजनेस इज द क्वेश्चन ऑफ आर नेक्स्ट हमारा एटींथ द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन सुपर मेसी दो द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट पार्लियामेंट हैज बीन गिवन सुपर मे दो द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने नाइनटीन्थ सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जो सेवनटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो किससे रिलेटेड है पंचायत राज से आपको ध्यान रखना है कि जो सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी वो हमारे रिलेटेड है किससे पंचायत राज से नेक्स्ट है, है हमारा ट्वेंटी एम्स ट्वेंटी एथ एम से क्यू वाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कि जो मैक्सिमम गैप होता है टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में वो कितना होता है सिक्स मंथ होता है हमारा मैक्सिमम गैप टू सेशन ऑफ़ पार्लियामेंट में ना ही ट्वेल्व मंथ्स होता है ना ही टू डेज ना ही ट्वेंटी डेज सिर्फ और सिर्फ सिक्स मंथ्स का जो गैप होता है हमारे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में वो सिर्फ सिक्स मंथ का ही होता है तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट एम सी क्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है आगे इसके और फर्दर जो है पार्ट आएंगे आप उनको भी उन वीडियोस को भी जो है देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट एम सी क्यू है सो होप्सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो